हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की थर्ड क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 154। जो माय डेट है वो है 27 जनवरी 2021। तो बच्चे, आपको पहले यहाँ पे अपना सेक्शन मेंशन करना है, कौन सा ए है, बी है, सी है, डी है, या इसके अलावा जो भी है वो आप मेंशन करें। साथ में अपना नाम लिखें और अपनी टीचर का नाम लिखें, और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कीजिएगा। शुरू करते हैं कि क्या है कि गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन द पोयम वर्ड्स इन द मेल बॉक्स द चाइल्ड टेल्स अस दैट द पोस्टमैन कम्स विद लेटर्स फॉर हर मदर एंड फादर बट नेवर फॉर हर। कि वो उसमें बच्चा कहता है कि इस पोयम में कि पोस्टमैन क्या है, लेटर लाता था लेकिन वो अपनी उसकी मम्मी के लिए और उसके पापा के लिए लाता, लेकिन उसको कभी जो है लेटर नहीं मिला। शी डिसाइड्स टू राइट लेटर्स टू हर फ्रेंड्स सो दैट शी विल आल्सो रिसीव दैम। तो उसने क्या फाइनली ये डिसाइड किया कि वो भी क्या है अपने फ्रेंड्स को क्या है लेटर लिखेगी, ताकि उसको भी क्या है अपने दोस्तों से लेटर मिल सके। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कैन यू टेल वेदर द चाइल्ड इन द पोयम रिसीव अ लेटर और नॉट। हम क्या लिखेंगे, नो, उसे क्या है कभी लेटर नहीं मिला। नो चाइल्ड, नो द चाइल्ड Never gets any letter। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, What does a child decide to do finally? उसने फाइनली क्या डिसाइड करने के लिए कहा, तो हम क्या लिख देंगे, Child decided to write letters to her friend। हम यहाँ पे काट के लिख देंगे द चाइल्ड The child decides to write letters to her friends so that she will also receive them। ठीक है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या इतना आप इसको लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं अब कि डू यू नो हाउ लेटर्स रीच अस। कि आप जानते हैं कि हमारे पास तक जो लेटर कैसे आते हैं। When a postman brings a letter, how does he know that it इज़ टू बी डिलीवर टू आवर प्लेस। के जब जो पोस्टमैन है लेटर देने आता है, तो उसको कैसे पता लगता है कि उसको यहाँ पे देना है। लेटर्स रीच अस बिकॉज दे कैरी आवर एड्रेस। जो लेटर्स हैं हमारे पास पहुँचते हैं क्योंकि जो लेटर होता है उस पर हमारा एड्रेस लिखा होता है। वी आर आइडेंटिफाई बाई आवर नेम्स, हम क्या है अपने नेम के साथ भी क्या आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलरली आवर होम्स आर आइडेंटिफाई बाई आवर एड्रेस, यूअर हाउस ऑल्सो हैज एन एड्रेस। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स विद राइट द एड्रेस ऑफ योर हाउस इन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। आपको यहाँ पे अपना जो है एड्रेस लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, जैसे आपका नाम रोहन है। ठीक है, आपको नाम भी लिखना पड़ता है, उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, एड्रेस आपको ये एज अ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपका एग्जाम्पल है हाउस नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हाउस नंबर। जैसे आपका है 1792 और आप क्या है दयाल में रहते हैं, दयालपुर में रहते हैं, दयालपुर। ठीक है, न्यू दिल्ली या जो भी है, एज एग्जांपल मैं बता रही हूँ, न्यू दिल्ली और पिन कोड, हमेशा पिन कोड जरूर लिखना होता है। पिन कोड जैसे आपका है 37। ठीक है, ये आप लिख देंगे। ये इस तरह से ये एज अ एग्जाम्पल है। जब भी आप एड्रेस लिखते हैं उस पर अपना नाम लिखिए, मकान नंबर लिखिए, अच्छे से गली नंबर लिखिए, और साथ में पिन कोड भी लिखिए। पिन कोड बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आप लिखें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डू यू नो दैट लाइक अस लेटर्स आल्सो ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारी तरह भी जो है लेटर्स भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एट टाइम्स द लेटर्स ट्रेवल बाय लैंड, एरिया, एयर और सी। आपको पता है कि जो लेटर्स होते हैं वो बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड भी जाते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर्स, ये आपको पिक्चर्स देखनी है केयरफुली। इन सर्कल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कैरी लेटर्स इन दैम एंड डिलीवर दैम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। अब आपको वो मीन्स बताने हैं जिसके जो थ्रू है आपके लेटर्स जा सकते हैं। ठीक है, अधिक आपका ट्रेन से जाती हैं, आपका हेलीकॉप्टर से नहीं जाती हैं, आपके बाई जहाज जो होता है जाती हैं, नो आपका नो, ये जो हॉट बैलून्स होते से नहीं जाती, आपके जो ये अधिकतर ये जो मोटरसाइकिल उससे भी नहीं जाती, आपका इंजन से भी नहीं जाती, आपका जो पोस्ट कार्ड की जो इससे जाती है, और हवाई जहाज से जो है
आपके जो लेटर्स जाते हैं, ये आपका इंजन है, इंजन से आपका लेटर नहीं जाता, ना हॉट बैलून से, और ये स्कूटी ये इससे भी नहीं जाता, ठीक है। तो आप इनको इंसर्कल कर दीजिएगा। अब क्या है, नाउ लेट्स हैव सम फन बाय मेकिंग आवर ऑन एनवेलप। अब आप अपने खुद का एनवेलप बनाएं, जिस प्रकार से यहाँ पे स्टेप लिख रखे हैं उस तरीके से आप स्टेप को फॉलो कीजिए, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि कट अ कलर्ड पेपर इंटू द शेप ऑफ हार्ट, हार्ट की शेप में, दिल के शेप में एक कलर्ड पेपर को काटना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से। पुट द बैक साइड अप सो दैट इट कम्स द इनर साइड ऑफ द, अब जो आपने काटा है उसकी बैक साइड को इस तरह से रखना है ताकि जो रंगीन कागज है वो बाहर की साइड आ सके। थर्ड पे क्या करना है, नाउ फोल्ड बोथ द साइड ऑफ द हार्ट, अब हार्ट की दोनों साइड को फोल्ड करना है, ये वाली और ये वाली। फोर्थ पे क्या करना है आपको, नाउ फोल्ड द अपर साइड ऑफ द हार्ट लीविंग द कॉर्नर एंड अप्लाई ग्लू ऑन, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और ऊपर की साइड को छोड़ देना है। फिफ्थ क्या है, फोल्ड द पॉइंटेड साइड, जो ये वाली पॉइंटेड साइड थी इसको भी इसने कवर कर दिया है, एंड लीव इट विदाउट द ग्लू टू ओपन एंड क्लोज द एनवेलप, और उसको बिना जो है ग्लू के छोड़ देना ताकि वो खोल सके हम कोई भी चिट्ठी रखने के लिए। आवर एनवेलप इज रेडी टू यू बी यूज, हमारा जो एनवेलप है रेडी है यूज़ करने के लिए। आप भी बेटा इसको बनाएं और अपना ही एनवेलप बनाएं, और आप ये एक्सरसाइज पूरी कर लेना। और अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि 11वें राष्ट्रीय मतदान दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2021 को किया गया है। राष्ट्रीय मतदान दिवस 2021 का जो थीम है वो है सभी मतदाता बने, सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक, ये मतलब उनका रुझान बढ़ाने के लिए ही राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। हर वोट जरूरी है, इसलिए हमें अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए और हमें वोट उसको देना चाहिए जो हमारे हित के लिए काम करे, ठीक है। और आपको वोट मिल, आपके लिए वोट बनेगा आपका वोटर आईडी कार्ड आफ्टर द 18, ठीक है, आपका 18 क्रॉस कर जाएंगे या आप 18 के हो जाएंगे तब आपका मतदाता कार्ड बनेगा। तो बच्चों ये आपकी थर्ड क्लास की बेटा वर्कशीट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो बेटा हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में, ठीक है, हमारा ये वीडियोस भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वक्त के साथ, हमेशा खुश रहिए, कोविड 19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।